फाइनली मेरी क्रिसमस देखिए कैसी है। मेरी क्रिसमस तो हो गया, लेकिन क्रिसमस काफ़ी मेरी लगा इस फिल्म को देखने के बाद। कंटेंट काफ़ी अच्छा है, ग्रिपिंग है, एंगेजिंग है, मतलब सिंप्लिसिटी के साथ इस फिल्म को बनाया गया है, लेकिन जो कंटेंट है ना वो आपको बांधे रखेगा अंत तक, ये तो डेफिनेटली है। और उस पर जो तड़का लगाया है ना परफॉर्मेंसेस का, कैटरीना कैफ, विजय सेतुपति मतलब जब भी स्क्रीन पर आते हैं, मतलब माय गॉड, वो यूं ही सुपरस्टार नहीं कहलाते हैं, वो है, उनमें है वो कला, वो खा गए इस फिल्म को। क्या बात है, लिटरली मतलब उनसे नजरें नहीं हट रही थी, मतलब आप एक्सेंट बोल जाओगे हिंदी का, जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवर कर रहे थे ना, कमाल कमाल कमाल। एंड श्री राम राघवन डिसअपॉइंट नहीं करते, और इस बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, बट प्लीज़ अंधाधुन से कंपेयर करके इस फिल्म को मत देखो, तो आपको डिसअपॉइंट मतलब डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि कंपैरिजन करना बिल्कुल सही नहीं है। वो फिल्म अलग थी, ये फिल्म काफ़ी अलग है। ऑफ कोर्स मिस्टीरियस है ये फिल्म, बट जैसे 70s 80s में फिल्में बनती थी ना, उस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है, तो आप उस नज़रिए से आप देखोगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं फिर एक बार देखने जाऊँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये फिल्म। मर्डर मिस्ट्री है, तो एंड तक आप काफ़ी सोच में पड़ जाओगे अब क्या होगा अब क्या होगा, तो आई थिंक क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस फिल्म का, तो आपको ये फिल्म ज़रूर जाकर देखनी चाहिए। ट्विस्ट एंड टर्न्स की काफ़ी तारीफ हो रही है, कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी तारीफ हो रही है, स्टोरी लाइन कितनी एंगेजिंग थी, कितनी बिठा के रखी है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें जो इंटेलेक्चुअल ह्यूमर यूज़ किया है ना, वो काफ़ी अलग है, अलग तरीके का। जैसे कैटरीना और विजय सेतुपति में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, मतलब आप सुनते देखते उस फिल्म में ना आप घुस जाओगे, कि आपको भी पता कर आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मतलब आप उनके लाइफ का एक हिस्सा बन जाओगे इस फिल्म के दौरान। और ऐसी फिल्में आई थिंक बनानी चाहिए, क्योंकि हाल ही के दिनों में सिर्फ एक्शन 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 हो रहा है, इसीलिए मुझे अच्छी लगी। देखो ये बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं बोल सकते कि यार मतलब ब्लॉकबस्टर बनेगी कि नहीं, आई डोंट नो, बट हैविंग सेड दैट मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद कुछ अलग देखने का, मुझे लगता है बॉलीवुड यही मिस कर रहा है, अलग अलग कंटेंट बनाओ, तो मुझे लगता है ऑडियंस को वो, क्योंकि ऑडियंस भी अब थक चुकी है वही एक्शन मसाला एंटरटेनमेंट देखिए, ये थोड़ा सा अलग कंटेंट बनाओगे तो मुझे लगता है ऑडियंस फिर अट्रैक्ट होगी थिएटर में जाकर फिल्म में देखने के लिए। क्या लगता है, जैसे कि मकर संक्रांति के दिन फिल्म रिलीज होने वाली है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है ना वाइब किल हो रहा है, अगर ये क्रिसमस के दौरान रिलीज होती तो वाइब मैच होता है इस फिल्म का, बट क्या है ना तभी डंकी सलार जैसी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही थी, तो आई एम श्योर इनको रिस्क नहीं लेना था, बट आई थिंक कभी कभी रिस्क लेना बनता है, अगर लगान और गदर एक साथ चल सकती है तो कोई भी फिल्म कभी भी चल सकती है, अपने कंटेंट पर अगर उनको भरोसा लाए वो ज़्यादा, तो ठीक है। आई थिंक आजकल ऑडियंस इज़ द किंग, तो आप ऑडियंस को आपका इतना अच्छा कॉन्टेंट है तो सौंप दो, आज बात सुपरस्टार्स की नहीं है, आज बात कंटेंट सुपरस्टार है, कंटेंट किंग है, कंटेंट है सब कुछ है, आप कुछ भी बना बना के परोस दोगे तो लोग नहीं चखेंगे, आप उनको सिर्फ ऊपर की ड्रेसिंग अच्छी करके दे रहे हो, डिश दे के लोग टेम्प्ट हो रहे, उतना काफ़ी नहीं होता, लोगों को टेस्ट भी करना है, है ना, तो वो स्टोरी भी डाइजेस्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम से ऐसी फिल्में अगर आप बना रहे हो तो प्लीज़ रिस्क लो, लोगों को, हम जैसे लोगों को देखनी है एक्शन के अलावा। मकर संक्रांति के दिन बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही है, ये भी फिल्म उसमें रिलीज हो रही है, क्या लगता है इस फिल्म के क्या चांसेस है स्टेबल रहने के क्लैशिंग? आई थिंक लोग जाएंगे क्योंकि छुट्टी वाला दिन है, देखो हनुमान भी रिलीज हो रही है जो साउथ की फिल्म है, बच्चों को काफ़ी वो पसंद आई है, वो भी फिल्म मैंने देखी, बच्चे जाएंगे, टीनेज एंजॉय करेंगे, और ये फिल्म थोड़ी एडल्ट वाली, एडल्ट इन द सेंस थोड़ा दिमाग लगाने वाली है, बच्चों के लिए नहीं है, तो देयर इज डिफरेंस इन द एज ग्रुप एंड द रेशियो ऑफ द ऑडियंसेस, तो वो देख लेंगे। मूवी काफ़ी अच्छी थी, अगर मैं बोलूं कि अंधाधुन के बाद अगर कुछ अच्छी लगी मुझे काफ़ी टाइम के बाद, स्क्रीन मतलब राइटिंग में कहीं वर्क किया गया है, डायलॉग में, स्टोरी में, मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा अगर कोई मूवी कही जाए तो काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली, तो वो ये मूवी मेरे काम वगैरह फिल्म का कैसे फिल्म में डायरेक्शन काफ़ी अच्छा, जिसको जितने रोल्स मिले थे परफेक्टली उन्होंने निभाया, उन्होंने मतलब अगर मैं कैटरीना की बात करूँ, उन्होंने उनके
नरेशंस काफ़ी अच्छे थे। अगर मैं विजय सेतुपति की बात करूँ, उनका जो डायलॉग डिलीवरी है, अगर मैं उन्हें बोलूँ कि अगर वो हिंदी नहीं आती, लेकिन अगर उनके ये डायलॉग इसमें देख लेंगे ना तो ऑसम। क्या लगता है लोगों को नया कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा इस फिल्म के थ्रू? बहुत देखने मिलेगा, जिनको अगर स्टोरी पसंद है या जिनको सिर्फ इससे फ़र्क नहीं पड़ता स्टोरी में क्या है क्या नहीं, उनको सिर्फ मार धाड़ चाहिए तो उनके लिए मूवी नहीं। लेकिन अगर जो जेन्युइन ऑडियंस है, जो एंटरटेनमेंट चाहती है, वो मूवी आके देखें, उनको काफ़ी अच्छी लगी। इसी के साथ साथ मकर संक्रांति के दिन बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, फिल्म के क्या चांसेस हैं स्टेबल रहने के? काफ़ी हाई चांसेस है कि मूवी चलेगी, लेकिन वही है कि लोगों को ये पसंद आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी मूवी स्टार्टिंग में स्लो है, उस हिसाब से अगर लोग जज करेंगे तो मूवी ऐसी नहीं, लेकिन आपको पूरी एंड तक रोक के रखती है मूवी, और एंडिंग में आपको जो सस्पेंस खुलता है। क्या स्टार देंगे 5 में से? मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा।